ये क्या है? रिटर्न गिफ्ट। गाइस मैं नमू की याद आ रही थी, मैं नमू को उठाता। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुप संध्या, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। आज लकू की फ्रेंड का बर्थडे है, राध्या का, तो हम वहीं जा रहे हैं और लकू भी तैयार हो गया है। लकू रहा यहाँ पे और गुंजन रही वहाँ पे। बर्थडे पार्टी में तो जा रहे हैं, लेकिन ना हम गिफ्ट नहीं लेके आए हैं। मैंने सोचा गिफ्ट देने के बजाय हम ना लिफाफा दें, ताकि वो अपने पसंद का ना कुछ खरीद ले। तो गुंजन ना लिफाफे में नाम लिख रही है, तो अब चलते हैं और मिलते हैं और आपको बर्थडे गर्ल से भी मिलाते हैं। और तो फ्रिज में क्या देख रहा है? तो गैस मैं मिलती हूँ आपको अब सीधे बर्थडे पार्टी में। तो गैस अब हम निकल रहे हैं घर से, तो अभी घर के अंदर लकू वहाँ पे है। तो गैस मैं पहुंच चुकी हूँ बर्थडे वाले घर पे, लेकिन अभी बाहर पे ही हूँ। और आज ना मैं गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं लेके आई हूँ, बस लिफाफा लेके आई हूँ। और गुंजन ने इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो जाती हूँ अंदर और सेलिब्रेशन दिखाती हूँ आपको बर्थडे पार्टी का। तो चलिए अंदर चलते हैं। और सब लोगों ने ना जूते चप्पल यहीं पे उतार रखे हैं, तो मैं भी अपने सैंडल यहीं पे उतार देती हूँ और अब चलती हूँ अंदर। और अंदर जाते ही ना मुझे दिखा बच्चों का प्यारा प्यारा सा डांस। बच्चे प्यारा प्यारा डांस कर रहे थे और बच्चों की दादी, सॉरी बर्थडे गर्ल की दादी, सबको टीका लगा रही थी और बर्थडे गर्ल की मम्मी सबका डांस देख रही थी, और साथ में ना सब लोग भी बच्चों का डांस देख रहे थे। हैप्पी बर्थडे, लो गिफ्ट नहीं लाई हूँ, ये लिफाफा है जो लोग ये क्या है? रिटर्न गिफ्ट। बर्थडे पार्टी होगी और मैं ना नमकीन खाते खाते बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड रहती है मुन्नी, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ना घर से उसकी मम्मी आ रही थी, आंटी जी, तो थोड़ा सा मिल लेती हूँ यहाँ पे आई हूँ। जब तो फिर खाना ना आराध्या की मम्मी ने यही बना रखा है, फिर मैं अपने फ्रेंड के घर पे और यहाँ पे आंटी पहुंच गए पढ़ना, और बढ़िया। अरे पीहू की नानी पीहू के लिए क्या क्या लेके आई है? चॉकलेट। तो गाइस मैं नमू की याद आ रही थी, मैं नमू को उठाता। ये है नमन, अरे गिर गया, पकड़ को दिए। नया बेबी आया है, वो नया मेहमान आ रखा है। बेबी दिख भी तो कैसा रहा यार, सेम दिखता। गैस आंटी से भी मिल गया है और बगल में ना खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, तो खाना खा के आते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना हृदया की मम्मी लेके आ गई हमारे लिए गर्मा गर्म खाना, पूरी छोले।
रायता और सब्जी। और लोग को तो खाने भी लग गया। तो अब चलते हैं घर को, मिलते हैं कल। बाय बाय। और यहाँ से देखो मैंने ये दे दिया इसे। आजा गुल्लू। तो हमें छोड़ने आ रही है चंपा और ये ना लको, और ये पहले ये आगे थे। ये देखो बैल, ये बैग आगे से रख लो, ये आगे से ये बैग है यहाँ पर दिखा दो। तो चलते हैं अब हम अपने कमरे की तरफ। ठीक है, बाय, गुड नाइट। आगे बर्थडे पार्टी से और अपने फ्रेंड के घर से, और घर आने के बाद ना गुंजल ने ये सारा सामान निकाला जो मेरे दोस्त ने पन्नी में दिया था, और जो मेरी सबसे फेवरेट चीज थी चिवड़े, क्योंकि मुझे चिवड़े बहुत पसंद हैं, तो वो दिए हैं मुझे, थैंक यू सो मच। और हम पहाड़ी का ऐसे चलता है यार, जैसे घर से कुछ भी सामान आता है, जैसे परसों मेरे घर से आया था, मम्मी ने भेजा था, तो मैं भी पहुंचा के आई थी उसके वहां सामान, और वो भी मेरे पहुंचाने वाली होगी, लेकिन मैं वहां गई थी तो मुझे दे दिया हाथों हाथ। तो सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है, और पहाड़ी केले भी आ रखे हैं देखो। तो बच्चे ना अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कल के टाइम टेबल रख रहे हैं क्योंकि कल मंडे है। और थोड़ी देर पहले गई थी मैं मार्केट इनके लिए ब्लेजर लेने के लिए, जो मैं लेके आ गई हूँ, और उस टाइम ना मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, और मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं ब्लॉगिंग करूंगी, लेकिन अचानक से मूड बन गया मेरा। और ये रहा लकू का ब्लेजर, और गुंजन का ब्लेजर गुंजन के पास है, और साथ में लेके आई इनके लिए अपर ही कहते हैं इनको, मतलब टी शर्ट अंदर से पहनने वाला, हाउस के साथ का दोनों का लेके आई थी। और अंदर का हाल इस तरह का हो रखा है, कबाड़ खाना हो रखा है। तो अब सो जाते हैं, और आज के ब्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आए, अगर आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, और गुड नाइट।